मिर्जापुर विंध्यवासिनी माता मंदिर की ये हल्की सी झलक है, और आगे वीडियो में मैं आपको पूरा मंदिर घुमाऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मिर्जापुर, और हम बनारस से ही निकले थे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके। 2 दिन का हमारा बनारस का टूर था, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी की टंकी है यहाँ पर, और यहीं पर VIP पार्किंग है। तो यहीं पर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और हम निकल चले विंध्यवासिनी माता के मंदिर दर्शन के लिए। और हम तो पहली बार आए थे यहाँ पर, तो हमें पता ही नहीं था कि मंदिर कहाँ पर है, और रास्ता खोजते खोजते पूछते पूछते हम आगे चलते जा रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारी जगह काम चल रहा है, यहाँ पर खुदाई हुई रखी है और बिल्डिंग वगैरह बन रहे हैं। और यहाँ पर सारी दुकानें लाइन से लंबी दुकानें हैं, और यहाँ पर हर घर में दुकानें हैं, यहाँ पर सब घर में दुकानें खोल कर रखे हुए हैं नारियल वगैरह की। यहाँ पर मंदिर है तो लोग आते जाते रहते हैं, टूरिस्ट लोग, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखी मैंने मंदिर में भक्तों की, और लाइन लगा के दर्शन कर रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम जब पहुँचे तब 5-6 करीब बज चुका था, और यहाँ जाते जाते अंधेरा ही हो रहा था। हम बनारस से निकले थे 2-3 बजे करीब, 2.5 या 3 घंटा लगा होगा यहाँ पहुँचने में बनारस से मिर्जापुर तक। और इसके बाद देख सकते हैं पूरी रोड में खुदाई हुई पड़ी है, और यहाँ पर सब रोड बन रहा है, यहाँ साइड साइड में पूरी बिल्डिंग बन रही है, और साथ में मंदिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो शुरुआत में देखा होगा आपने वीडियो के, बहुत ही अच्छा सुंदर बन रहा है मंदिर। और मंदिर तो वैसा ही है जैसे पहले था, बस मंदिर के चारों तरफ ही उसका जो है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये पूरा रोड बन रहा है, रास्ता बन रहा है। और यहाँ पर जब हम मंदिर गए ना, तो इसकी एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ। तो जब हम मंदिर गए और मंदिर के दर्शन कर लिए, और दर्शन करने के बाद हम लाइन लग के दर्शन किए, और माता के दर्शन करने के बाद हम निकले, तो दूसरी तरफ से निकले हम, जहाँ से गए थे वहाँ से नहीं निकले। तो इस बात को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और दूसरी तरफ से निकल कर हम चल पड़े सीधे, और हमें लगा कि हम जहाँ से आए थे उसी तरफ जा रहे हैं, जबकि हम जा रहे थे अपोजिट साइड। तो दूसरी साइड हम उतर कर मंदिर से निकले, और पूछते पूछते हम रास्ता बस चलते जा रहे थे। तो अभी तो हम मंदिर तक नहीं पहुँचे हैं, मंदिर दर्शन करेंगे उसके बाद हम निकलेंगे, और वहाँ तक वीडियो ख़त्म हो जाता है, तो उसकी स्टोरी मैं पहले ही सुना दे रही हूँ आपको। तो हम निकले और दुकान वालों से पूछते पूछते, पार्किंग पूछते पूछते, मतलब चल पड़े। तो बहुत देर तक, करीब करीब 2 घंटे तक हम ऐसे ही घूमते रहे, गोल 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 गोल, हमको मिल ही नहीं रहा था कि पार्किंग कहाँ पर है जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। और वो दुकान वाले भी अपने हिसाब से सही बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो पार्किंग है वो 3-4 जगह है, कई जगह पार्किंग है, और सभी का नाम VIP पार्किंग है। पता नहीं क्यों मुझे सबका नाम एक जैसा ही रखा है इन लोगों ने, तो इसी वजह से जो है कंफ्यूजन हो गया बहुत बड़ा। और उन लोगों ने अपने हिसाब से पार्किंग बताया, और हमने जो कार पार्क की थी वो भी सही जगह पर पार्क की थी, तो दोनों में थोड़ा अंतर था, समझ में नहीं आया। तो फिर बाद में याद आया कि मैंने वीडियो शूट किया था, तो उस वीडियो से जो पानी टंकी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी ना, उस पानी टंकी के सहारे ही हम लोग पूछ पूछ कर बस मंदिर तक गए। दुकान वालों से हमने पूछा कि पानी टंकी कहाँ पर है, तब उन लोगों ने बताया, तब हम वहाँ तक पहुँचे कि हमारी पार्किंग जहाँ थी वहाँ पर। और फिर बाद में याद आया कि एक बजरंग बली का मंदिर भी था वहाँ पर, और तो ऐसा होता है। और 2 घंटे तक तो हम पैदल घूमते ही रहे, और बनारस से इतने थकने के बाद हम इतने थक गए थे बहुत ज़्यादा बनारस में दर्शन करने के बाद, और यहाँ तक 2-3 घंटे ट्रैवल करने के बाद सभी लोग थक गए थे और नींद से ही सोकर उठे थे। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि बनारस हम अपनी गाड़ी से गए थे, और बनारस की गलियां जो हैं वो कितनी सकरी सकरी है ये आपने देखी है। और 4-व्हीलर में अगर आप लेकर जाते हैं, तो जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो या पता ना हो उस जगह के बारे में, तो आप तब तक आप अंदर ना डालें, और एक बार गाड़ी फंस जाती ना तो बैक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। एक जगह हमारी गाड़ी ऐसे ही फंस गई थी बहुत बुरी, और बैक करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और हुआ क्या, हमारे साथ की गाड़ी को पार्क करना था एक जगह, उसके बाद हम रुके थे होटल में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा बनारस का मेरा वीडियो, मैंने दो तीन वीडियो अपलोड किए हैं बनारस के नाम से, काशी विश्वनाथ के दर्शन के और बनारस के मार्केट के। तो हर जगह जब हम घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हमें हमेशा याद रहता है। तो बनारस में भी हमारे साथ ऐसा
कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमें याद है और हम दूसरों को बताना चाहते हैं कि वो ऐसी गलतियां ना करें। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। और अभी भी जब हम बनारस गए थे तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम मिर्ज़ापुर भी जाएंगे विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने के लिए। तो माता का बुलावा था और अचानक से इनके मन में आया कि चलो बनारस आए हैं तो मिर्ज़ापुर भी चलते हैं। और मैप में देखे तो ज़्यादा दूर नहीं था, तो आखिर आए थे इतना दूर तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना दर्शन करके ही चलें। तो हम लोग आए और दर्शन भी हम लोगों ने किया और रात में ही निकले हम लोग। तो अंबिकापुर पहुँचते पहुँचते तो सुबह ही हो गई थी, करीब करीब 3-4 बज गए थे सुबह सुबह के। और सुबह सुबह पूरी रात भर हम लोगों ने ट्रैवल किया और सुबह सुबह हम लोग पहुँचे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर के पास ही हम आ चुके हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा चालू है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन रही है, पूरा ये बिल्डिंग बन रहा है, पता नहीं घर बन रहा है कि होटल बन रहा है या जो भी बन रहा है। और इसके आगे यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है तो बस मंदिर पास ही पहुँच गए हम। बस गली के अंदर गली ऐसे घुस के मंदिर है और भूल भुलैया जैसा लगता है चारों तरफ से। तो ये मंदिर है सामने, देख सकते हैं आप, और कितना अच्छा, बहुत ही सुंदर बन रहा है। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये मंदिर, जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा तब। तो आप भी ज़रूर एक बार आइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखते रहिए मेरे चैनल पर। तो हम जाते हैं मंदिर के अंदर और ये है मंदिर का मेन गेट। और ये मंदिर जो है वो पहले का ही है, पुराना और बहुत ही पुराना मंदिर है। और इसके चारों तरफ ये जो देख रहे हैं आप, ये अभी अभी नया बना है और बन ही रहा है, मतलब बना नहीं है, पूरा काम चालू है अभी भी। तो बहुत ही अच्छा है ये जो माता का मंदिर बन रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, फिर भी यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा आती है। तो जब टूरिस्ट लोगों को पता चलेगा तो और ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होगी, और जब ये मंदिर बन जाएगा ना तब और ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो अभी भी बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ पर और बहुत ही लंबी लाइन लगकर यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो आप भी ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए माता के। और यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लाइन लगने के लिए कितना लंबा लाइन लगी है, लंबी, और व्यवस्था की गई है पूरी। यहाँ पर जो है दुर्गा माता का एक और मंदिर है, मंदिर के अंदर ही और जगह जगह पर मूर्तियां हैं देवी जी की। तो यहाँ पर लाइन लगी है तो इसी लाइन में हम लोगों ने लगकर दर्शन किए और आरती का समय भी हो रहा था तो हम लोग एकदम सही टाइम पर पहुँचे थे। और अगर हम लोग इस टाइम पर दर्शन नहीं कर पाते तो हम लोगों को दर्शन करने नहीं मिलता। इसके बाद जो है जितने लोग हैं उनको रोक दिया गया था, फिर उसके बाद जब आरती होती माता की उसके बाद ही दर्शन करने के लिए लाइन लगती। और तो एकदम सही टाइम पर हम लोग पहुँचे और दर्शन भी अच्छे से हो गए माता के। और हमारा जो बनारस जाने का प्लान बना था वो भी अचानक से बना था, और 2 दिन पहले ही इन्होंने कहा कि चलो बनारस घूम कर आते हैं। और अचानक से ही एक दिन में ही हमने सारी पैकिंग की और सारी तैयारी करके हम बनारस के लिए निकल पड़े। और कोई प्लान नहीं था कि कहाँ रुकना है, कितने दिन रुकना है, कैसे कहाँ कहाँ घूमेंगे, बस निकल चले थे हम बनारस दर्शन करने के लिए। और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे और साथ में मिर्ज़ापुर का भी दर्शन, मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी माता के दर्शन भी अच्छे से हो गए। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए सारी चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पर। ओके, बाय।